माय चॉइस मोदी, ये तो वक्त की डिमांड है। माय चॉइस मोदी, क्योंकि नाम नहीं ब्रांड है। माय चॉइस मोदी, क्योंकि देश की ये शान है। माय चॉइस मोदी, इसके काम से ही नाम। दिल्ली में मौसमी गर्मी के साथ ही चुनावी गर्मी भी सर चढ़कर बोल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दिल्ली के प्रत्याशियों के लिए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को मैदान में उतारा है। तेजस्वी सूर्या ने चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए दिल्ली के केवल पार्क इलाके से विशाल बाइक रैली निकाली, जिसकी अगुवाई जिला युवा मोर्चा ने की। क्विक न्यूज से बात करते वक्त जहां तेजस्वी सूर्या ने दिल्ली की गठबंधन सरकार की जमानत जब्त होने की बात कही, तो वहीं दिल्ली के व्यापारी मंडल कैट्स के मुखिया ने भी युवाओं के जोश की प्रशंसा की। दिल्ली के केवल पार्क इलाके में आप देख सकते हैं भव्य रोड शो निकला है प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में, और इस समर्थन रैली के अंदर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोश दिख रहा है युवाओं के अंदर। मोदी जी आज देश के सबसे पॉपुलर यूथ आइकन है। आप देख रहे हैं युवाओं में मोदी जी के क्रेज कैसा है। हम 400 पार करेंगे और फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को और समृद्धि की ओर हम लेकर जाएंगे। क्योंकि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, युवाओं को आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश चल रहे हैं, किस तरह से युवा प्रचार में लगे हुए हैं? चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है एक लोकतंत्र में। युवा उत्साह के साथ इसमें भाग लेना है, भारी मात्र में वोट करना है, क्योंकि हर एक वोट देश की आने वाली भविष्य को निर्भर करेगी। सो माई रिक्वेस्ट टू यंग पीपल इज टू टर्न अप इन बिग नंबर्स एंड वोट। प्रवीण खंडेलवाल के लिए क्या कहेंगे? प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक के लिए क्यों जरूरी है? प्रवीण जी एक वरिष्ठ नेता है, अत्यंत सज्जन व्यक्ति है, कर्मठ है, और सबको साथ में लेकर काम करने वाले एक एटीट्यूड उनमें है। ऐसे नेता चांदनी चौक को जरूरी है। इनको आप पार्लियामेंट भेजिए और इस पूरे लोकसभा के और दिल्ली के विकास यात्रा में आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। आखिरी सवाल सर, दिल्ली के अंदर जो गठबंधन चल रहा है उसका क्या होने वाला है आगामी चुनावों में? डिपॉजिट भी नहीं बचेगा जी ये गठबंधन। देखिए, इस समय हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में हैं, और वो युवाओं के लिए तो एक आदर्श के रूप में किस तरीके से सबको जगा दिए। आज वो यहीं पर इस लोकसभा क्षेत्र में प्रवीण जी के लिए सभी को कि उनको क्यों जिताना है, आज उसके बीच में हमारे बीच में है। अब ये रैली एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है और कम से कम 4 घंटे ये विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी और सारा युवा इस समय साथ है, तो ये इतना बताता है कि प्रवीण जी हमारे बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत के आने वाले हैं। प्रवीण खंडेलवाल भी तेजस्वी सूर्या की बातों से सहमत नजर आए और बताया कि दिल्ली का युवा, बुजुर्ग और अन्य सभी वर्ग के लोग उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे हैं। प्रवीण जी, युवाओं का समर्थन बहुत मिल रहा है, बहुत प्यार दे रहे हैं युवा आपको। युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है लोकसभा, हम बहुत किस कदर सूर्या जी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो गठबंधन चल रहा है उनका तो उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। जो बात तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक भी सीट ना इनको मिलेगी, इज्जत बचाने लायक वोट इनको। इस बाइक रैली में शामिल युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कही। अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, तो युवाओं का जोश मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन दिखाऊंगी, पीछे तक दिखाएं किस तरह से युवा यहाँ पर पूरा समर्थन करते हुए बाइक रैली कर रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ भी मौजूद है, बात करते हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष आए हैं, क्या लग रहा है युवाओं के अंदर जोश और बढ़ेगा? अरे 100% बढ़ेगा, आप खुद ही देख सकते।
सकते हो यहाँ पे कैसे जोश में लोग, युवा लोग इतने ज्यादा नंबर्स में आए हैं और बहुत ही ज्यादा उत्साह से काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है युवा कितने जोश में आ जाएंगे? युवा अध्यक्ष आ गए हैं। युवा इतना जोश में है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उनमें कितना उत्साह है, कितने खुश है वो कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो पूरा संपन्न होके ही रहेगा। थैंक यू। 400 पार होगा? 400 पार होगा ही होगा। कैसे होगा? युवा कितना समर्थन करेगा? सारा समर्थन कर रहा है युवा। सबको अच्छा काम मिल रहा है, सारा काम हो रहा है अच्छा। युवा कैसे काम कर रहा है? क्या कह रहे हैं? युवा कैसे काम कर रहे हैं? युवा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस बार हमें मोदी जी को 400 प्लस सीटों से जितवाना है। हाँ, और चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल जी जीत रहे हैं, ये बात पक्की है। प्रवीण खंडेलवाल, सर सर प्रवीण खंडेलवाल की जीत की यहाँ पर आशा पूरी पूरी कर रहे हैं। पूरी जी पूरी। 5 लाख वोटों का अंतर आएगा। 5 लाख वोट कैसे दिलाएंगे? 5 लाख वोट 5 लाख आ रहे हैं, मोदी जी दिलवाएंगे, हवा दिलवाएगी। क्या लग रहा है युवा कितना अब पूरा अपना दमखम दिखाने वाला है? देखिए युवा जो है ना, उनके कहने के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की इंस्पिरेशन से इतना खुश है कि उनको इतना स्किल रोजगार मोदी जी ने दिया है और जितना रोजगार मोदी जी ने दिया है तो युवा उनके साथ पूरा स्वभाव से जुड़ा हुआ है उनके साथ। क्या करने वाले अब युवा, क्या करेगा? क्योंकि अब तो जोश बढ़ता जा रहा है, चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल सर पर है। युवा सबसे अपना पहला वोट मोदी जी को देने वाला है। जितने 18+ वोटर बने हैं उन सबकी यही कामना है कि मोदी जी को एक बार फिर लाया जाए, मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाए। हर युवा इसमें मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है तन मन से। खुद अपने आप उत्साहवर्धक देखिए, आप युवाओं की रैली देखिए, ये कोई मतलब किसी को कह के नहीं बुलाया गया, लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। जहाँ से रैली जा रही है वहाँ से सुनामी की तरह लोग जुड़ते जा रहे हैं और खास तौर से युवा वर्ग। युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे जी? जो वोट डले तो भाजपा पे डले। नहीं, युवा ऑलरेडी पहले ही तैयार हैं, युवाओं को पता है मोदी जी की योजनाओं के बारे में पता है। वो फिर ऐसा 2047 की विकसित भारत की दौड़ में है, युवाओं के देख रहे हैं अपना भविष्य, भविष्य वही है, मोदी जी के साथ ही पूरा हो सकता है ये। चांदनी चौक का क्या होने वाला है? देखो कहते हैं माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। ये जो चांदनी चौक का जो एक ही है कि प्रवीण खंडेलवाल जी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं और 4 जून का जब रिजल्ट आएगा और मोदी जी 400 पार होने वाले हैं और 5 तारीख को जब प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी तो ये जो जनता जनार्दन, ये जो कारवा है, हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं है। 2-4 दस आया, आगे कारवा बनता चला गया, यही आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, परिणाम क्या होने वाला है, बाकी आपको क्या बताऊं मैं। प्रवीण जी की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से युवा ही नहीं हर वर्ग के लोग उन्हें समर्थन करेंगे? देखिए सबसे पहली बात कि जो दूसरी पार्टी की तरफ से हमारे जो है जयप्रकाश अग्रवाल जी प्रत्याशी हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी 80+ के हैं। अगर आप उनको देखेंगे और तुलना अगर करेंगे प्रवीण जी में तो प्रवीण जी उनसे काफी उम्र में कम है। तो लोग युवाओं का, महिलाओं का एवं व्यापारी वर्ग का, मजदूर वर्ग का, सभी वर्ग का जो है समर्थन प्रवीण जी को मिल रहा है। और जयप्रकाश जी इससे पहले भी 2 टर्म सांसद रह चुके हैं, सबने लोगों को देख चुका है, एक्सपायरी माल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल एक्सपायरी माल पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसा दावा भाजपा के ये युवा कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आगामी जो 25 तारीख है उसके अंदर जो जनता है किसकी किस्मत का ताज बंद करती है और किसको अपने सर आंखों पर बिठाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।